आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी है? तो चलिए एक गेम खेलते हैं। सोच लीजिए कि आप एक सुपर हीरो बन चुके हैं और आप आसमान में उड़ रहे हैं। अब जरा ये सोचिए कि आप स्पेस में जॉगिंग कर रहे हैं और स्पेस में भाग रहे हैं। कितना अमेजिंग है ना। अब सोचिए कि एक डॉल्फिन है जो कि पाइनएप्पल के साथ खेल रहा है और उसे जगल कर रहा है। ये सब चीज़ें तो रियलिटी में नहीं हो सकती, तो इसे ही हम इमेजिनेशन कहते हैं। और इमेजिनेशन में हम जो सोचते हैं वो हमें दिखने लगता है हमारे माइंड में। तो ये सब क्यों होता है, क्यों हम इमेजिन कर पाते हैं उन सब चीज़ों को, चलिए साइंस ऑफ इमेजिनेशन में जानते हैं। ये सब जो चीज़ें होती है ये आपके ब्रेन के कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन की वजह से होती हैं। यानी कि आपके ब्रेन में बहुत सारे फोटो स्टोर्ड हैं और आप जैसा सोचते हो इस तरीके की इमेजेस आपको देखने को मिलती है माइंड में। यानी कि जैसे थॉट्स होंगे उसी तरीके की इमेजेस आपको मन में देखने को मिलेंगे। आपके ब्रेन में हजारों इलेक्ट्रिक सिग्नल छोड़े जा रहे हैं, इसीलिए आप इमेजिन कर पा रहे हो और फोटोज देख पा रहे हो। तो चलिए जानते हैं इस इमेजिनेशन की साइंटिफिक प्रोसेस को और आपका ब्रेन किस तरीके से इतने सारे फोटोज को स्टोर रखता है उसे भी जानते हैं। आज हम ब्रेन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। ये सब खेल खेलता है हमारा पोस्टेरियर कॉर्टेक्स। जब हम किसी इमेज को देखते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे पोस्टेरियर कॉर्टेक्स में बहुत सारे न्यूरॉन्स फायर होते हैं और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये एक ऑब्जेक्ट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कैप्चर कर लेते हैं और उस सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जब आप पाइनएप्पल को देखते हो तो आपके मन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स सेव होते हैं, जैसे कि स्पाइकी फ्रूट, ब्राउन, ग्रीन और येलो। इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मन में सेव हो जाते हैं और इसे न्यूरल एंसेंबल कहते हैं। और जब आप इसी न्यूरल एंसेंबल को यूज़ करते हो तो आप उसे इमेजिन कर सकते हो। अभी आपका न्यूरल एंसेंबल स्टोर हो चुका है और जब आप पाइनएप्पल के बारे में सोचते हो तो इसके कैरेक्टरिस्टिक आपके दिमाग में आते हैं और आप पाइनएप्पल को इमेजिन करके मन में देख सकते हो। इसे हैबियन प्रिंसिपल कहा जाता है। और इसी तरीके से न्यूरल एंसेंबल और हैबियन प्रिंसिपल का यूज़ करके आप डॉल्फिन को भी इमेजिन कर सकते हो। बट एक डॉल्फिन का जो पाइनएप्पल से खेलते हुए वो दृश्य हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं, हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा और ना ही ऐसा न्यूरल एंसेंबल हमारे अंदर स्टोर हुआ है। इसके पीछे फ्रेंड्स एक हाइपोथेसिस है और उस हाइपोथेसिस को बहुत ही लोग मानते हैं। उस हाइपोथेसिस का नाम है मेंटल सिंथेसिस थ्योरी। इस हाइपोथेसिस को बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट मानते हैं। ये हाइपोथेसिस कहती है कि अगर हम डॉल्फिन और पाइनएप्पल को एक साथ इमेजिन करेंगे तो उनकी जो न्यूरल एंसेंबल होंगी वो एक साथ रिलीज होंगी और उनकी इमेज मिक्स हो जाएगी, जिसके द्वारा हमें डॉल्फिन पाइनएप्पल को जगल करते हुए दिख सकता है। बट हमें कोई नई चीज़ इमेजिन करने के लिए बेटर न्यूरल कनेक्शन की ज़रूरत होती है। हमें ये बेटर न्यूरल कनेक्शन मिलती है हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से। हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ये हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। रियली ये हमें कॉग्निटिव स्किल्स में भी काम आता है। क्या आपको पता है हमारी जितनी भी कॉग्निटिव स्किल्स हैं ये इसी के द्वारा नियंत्रित होती हैं। और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पोस्टीरियर कॉर्टेक्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कुछ न्यूरल फाइबर्स के साथ। ये जो न्यूरल फाइबर्स होते हैं, जब ये न्यूरल फाइबर्स पुल होते हैं तो इसके अंदर से बहुत सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रिलीज होते हैं। पहले तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से इलेक्ट्रिक सिग्नल न्यूरॉन्स के जरिए पोस्टीरियर कॉर्टेक्स में जाता है और जब वहाँ पे जाता है तो यही हमारे मल्टीपल एंसेंबल्स का कारण बनता है। और यही न्यूरल एंसेंबल्स जो एक साथ फायर होने पर हम जो सोचते हैं वो इमेजिन कर पाते हैं, ये सब सिंक्रोनाइजेशन की वजह से होता है। और इसी की वजह से हम डॉल्फिन को पाइनएप्पल के साथ जगलिंग करते हुए देख पाते हैं, क्योंकि एक साथ इन दोनों की जो न्यूरल एंसेंबल है वो रिलीज हुई और ये दोनों की न्यूरल एंसेंबल सिंक्रोनाइज हुई और इसे मेंटल सिंथेसिस कहा जाता है। ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होती हैं और आपकी इमेजिनेशन पावर इस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है कि आपका जो न्यूरल फाइबर्स हैं वो कितने बड़े हैं। और ये इस चीज़ के ऊपर निर्भर करते हैं कि आपके न्यूरल फाइबर में माइलिन कितने लेयर वाले हैं। ये जो माइलिन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और माइलिन आपके बचपन से ही आपको मिलते हैं, आपके चाइल्डहुड से। हाँ फ्रेंड, ये जो माइलिन होते हैं ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, न्यूरल एसेंबल्स को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी में ट्रैवल कराते हैं। अगर आपकी जो माइलिन है वो बहुत ही ज़्यादा लेयर वाली हुई तो आपके जो न्यूरल एसेंबल्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास 100 लेयर वाली माइलिन हुई तो आपके जो न्यूरल एंसेंबल्स होंगे वो 100 टाइम मोर स्पीड में ट्रैवल करेंगे और आपकी जो इमेजिनेशन पावर होगी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगी
और इसी न्यूरल फाइबर के माइलिन के ऊपर ही निर्भर करता है आपकी सोच किस तरीके की है और आप कितनी तेजी से न्यूरल एंसेंबल्स को रिलीज कर सकते हो मल्टीपली और आप किस तरीके से कितने क्रिएटिव हो। यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा माइलिन वाली लेयर हुई तो आप ज़्यादा क्रिएटिव हो गए, अगर आपके पास ज़्यादा माइलिन वाली लेयर नहीं हुई आपके न्यूरल फाइबर में तो आप लेस क्रिएटिव हो गए। तो यही है इमेजिनेशन का साइंस। अगर आप ऐसे साइंटिफिक वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।